इंदौर शहर में लगातार मोबाइल लूट की वारदात करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। हीरानगर पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह से बड़ी संख्या में लूटे गए मोबाइल बरामद कर लिए। इंदौर के हीरानगर पुलिस द्वारा मोबाइल लूटने वाले गिरोह की तलाश की जा रही थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया। थाना हीरानगर में ऐसे बदमाश पकड़े गए हैं, चार बदमाश जो मोबाइल लूटने की घटनाएं कर रहे थे, वारदातें कर रहे थे और दुकान और गुमटियों से भी इनके द्वारा चोरी की गई थी। इसमें से अलग अलग जगह से चोरी किए हुए 42 मोबाइल इन बदमाशों से बरामद हुए हैं। इसमें हीरानगर पुलिस को मुखबिर से सूचना ये मिली थी कि कुछ बदमाश लूट और चोरी के मोबाइल लिए हुए हैं और उस नीयत से खड़े हुए हैं। इस पर से इन पे दबिश देकर के इनसे जब पूछताछ हुई, मौके से इनसे 7 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए और पूछताछ में इन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने पूर्व में शहर के कई अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह की घटनाएं की हैं और चोरी की भी घटनाएं की हैं। इनसे विभिन्न कंपनियों के कुल 42 मोबाइल जब्त करने में टीम को सफलता मिली है। एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे और सीएसपी परदेशीपुरा के मार्गदर्शन में पूरी कार्यवाही थाना हीरानगर के द्वारा की गई है। इस गिरोह ने कई स्थानों पर मोबाइल लूटने की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों से 42 से अधिक मोबाइल जब्त किए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज, इंदौर।